let's start our computer question. So first question is, computer program had been done in early stages by using these are options. So पहले जो होता था computer program वो machine language के through जो है किया जाता था. एक बड़ा सा room होता था जिसमें machine operator जो है वो जाता था और वो program की कोडिंग करके फिर वो बाहर निकल जाता था. पहले जो है बड़े बड़े रूम्स होते थे और उस रूम में एक कंप्यूटर जो कि बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है उस टाइप का रखा रहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन विच डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड मेमोरी. मेमोरी में जो है हम जो भी स्टोर करते हैं कंप्यूटर में जो भी लिखते हैं वो सारा जो है एट लास्ट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है. और ये मेमोरी जैसे कि आपका रोम हो गया, फिर आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, ये भी जो है मेमोरी का ही काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज. सो कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी जो है वो रोम होता है. जब हम फाइल्स में स्टोर करते हैं डाटा को तो वो रोम में स्टोर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मेमोरी इज डाटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ. जब हम डाटा जो भी टाइप कर रहे होते हैं राइट, जो डाटा हमारा होता है जब पावर ऑफ होता है यानी कंप्यूटर शटडाउन होता है तो वो डाटा जो है लॉस्ट हो जाता है. तो रैम में जब डाटा स्टोर रहता है तो वो पावर ऑफ होते ही हमारा डाटा स्टोर, जैसे आपने कुछ भी लिखा कहीं पे टाइप किया राइट एंड सडनली पावर ऑफ हो गया तो वो डाटा जो है आपका लॉस्ट हो गया, तो उस टाइम जो डाटा लिखा रहा है वो रैम में लिख रहा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैली सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग. के लिए टैली सॉफ्टवेयर जो है मेनली यूज किया जाता है, ये रहा इसका लोगो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the correct error in a program called correcting error? So debugging. जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जब भी कुछ एरर आता है तो उसे हम डीबगिंग करते हैं, यानी जो जो कि एरर्स है उसे हम करेक्ट करते हैं, सो इसे डीबगिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज डैश इज वेन द कंप्यूटर इज टर्नड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग. सो बूटिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड हो रहा होता है विंडो में, उसे बूटिंग कहते हैं. जैसे इस तरह का हमारा विंडो दिया हुआ है, इसमें जो है बूटिंग प्रोसेस हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है राइट. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, हमारा जो भी हम ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसे यूज करते हैं मेनली फॉर या फिर वीडियो के लिए या फिर आप एप्लीकेशन कुछ भी यूज करते हैं, सो वो जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्राम कोड. जो हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं वो रीडेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑन द वर्ल्ड इज अर्पानेट. अर्पानेट जो है वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था जो कि यूएसए में डिस्कवर किया गया था और ये मेनली मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेंटर ऑफ ईमेल. टॉमलिंसन को अब तक जो है माना जाता है पर इसमें जो है एक कॉन्फ्लिक्ट है. शिवा अय्यादुरई जो कि इंडिया के थे, इन्होंने क्लेम किया है कि ये जो है इन्होंने सबसे पहले 14 साल की एज में ही इन्होंने जो है ईमेल को डिस्कवर कर दिया गया था. बट हमें जो है विकिपीडिया रे टॉमलिंसन ही बताती है, सो हमें अभी यही ऑप्शन में यही लेके चलना है आंसर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय आइकन्स. विंडो की डेस्कटॉप स्क्रीन है उसमें जो सिंबल्स हमें ये सारे जो एप्लीकेशंस दिखते हैं इनको जो है हम आइकन्स बोलते हैं राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश कंटेन कमांड्स दैट कैन बी सेलेक्टेड. मेन्यू, जब हम मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि सेलेक्ट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इनटू क्लिपबोर्ड. जब हम किसी भी डाटा को कट करते हैं तो वो जो है क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है, फिर कट या कॉपी करते हैं देन पेस्ट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड से निकल के और जहां पे हम पेस्ट करते हैं वहां पे चला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट टास्क बार. डेट और टाइम जो है वो टास्क बार में हमें दिखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द रिसाइकल बिन स्टोर्स डिस्कार्डेड आइटम्स अंटिल यू एम्प्टी इट। रिसाइकल बिन, जब भी हम कोई डाटा डिलीट करते हैं कंप्यूटर में तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, और रिसाइकल बिन से वो डाटा तब तक नहीं हटता जब तक हम उसे खुद खाली नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन कंप्यूटर यूजर्स डैश अ डॉक्यूमेंट दे चेंज इट्स अपीयरेंस फॉर्मेट। सो कोई भी डॉक्यूमेंट को हमें उसकी अपीयरेंस चेंज करनी है, मान लो हमें कलर चेंज करना है, फॉन्ट टेक्स्ट, फिर उसकी थीम चेंज करनी है उस पेज की, सो हम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज फाइल। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल होगी, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, या फिर कोई आपकी डेटाबेस की, तो उसे जब हम सेव करते हैं तो उसे हम फाइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक हमारा स्क्रीन है, एक ई ड्राइव में जी के क्वेश्चंस, ये जो है फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमारे इतने सारे फाइल्स हैं। जैसे ये वर्ड के फाइल है, ये हमारे हो गए इमेजेस फाइल, ये देन ये पीडीएफ फाइल हो जाते हैं इस तरह से, ये सब फाइल है, इनको फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक ए कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट। स्प्रेडशीट जो है यूज करते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, प्लस साथ साथ हम बजट बना सकते हैं, डाटा को स्टोर करके भी फॉर लॉन्ग पीरियड जो है रख सकते हैं स्प्रेडशीट में। जैसे ये जो है हमारा स्प्रेडशीट है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल 2007 है, इसमें हम डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ये जो है बॉक्सेस के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स एज फाइल। कंप्यूटर में डाटा या इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं फाइल के फॉर्म में, ये हमने पहले भी देख लिया है, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी 360 डिग्री, एंड फॉर पीडीएफ प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल स्टडी 360 डिग्री। थैंक यू सो मच।